परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सतत रूप से लगातार प्रवाहित हो रही है। जैसे वायु दिखाई नहीं पड़ती है पर हमारे पास में है, तभी तो हम जीवित हैं। उसी प्रकार से परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर 24 घंटे लगातार चल रही है। अब आप कह सकते हैं, यदि चल रही है तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो संसार की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से तत्व हैं जो हैं पर दिखाई नहीं देते, पर उन्हें नकारा नहीं जा सकता कि नहीं है। अब परमात्मा की कृपा कैसे आपके ऊपर है? परमात्मा की कृपा इस प्रकार से हमारे ऊपर है, परमात्मा की कृपा दूर हुई हमारे ऊपर से, तत्क्षण यह शरीर मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर कोई जिलाने वाला नहीं रहता। तो ये कृपा है कि हम उनकी कृपा से सब आनंद से सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहे और आनंद पूर्वक, परमानंद पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन के साथ अपने जीवन को एक नई गति, एक नई चेतना प्रदान कर रहे। परमात्मा की सन्निधि जिस क्षण हमसे दूर होती है, उसी समय यह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के मुख में समा जाता है। वैसे हम प्रतिदिन सोते हैं पर जाग भी जाते हैं, सुबह होने पर जाग जाते हैं। कोई सीताराम कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई हरिओम कहता है, कोई जय माता रानी कह के उठता है। लेकिन जिनके ऊपर से कृपा हट गई, वे सो करके फिर उठ नहीं पाते। समझ लो कृपा भगवान की खत्म, राम नाम सत्य, वे संसार छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हमें अपने जीवन का एक ध्येय, एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना करके आगे बढ़ना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं, क्षण सहा कण सश्चैव विद्याम अर्थम चो चिंतयेत। क्षण सह कणसश्चैव, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में विद्या ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ पाना है, हमें अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्षण सह प्रत्येक क्षण, कहने के ये तो हो गई बात शिक्षा की, क्षण क्षण का उपयोग करके शिक्षा ग्रहण करो। कहने लगे कण कण का उपयोग करके धन का संग्रह करो। क्षण सहा कण सश्चैव विद्यामर्थम जो चिंतये। तो कण कण, एक एक पैसे का सदुपयोग करो, जैसे बने फिजूल खर्ची नहीं। व्यक्ति को दो बातें जीवन में जरूर होना, तीन बातें जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कौन सी तीन बातें, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, हमारे शास्त्र कहते हैं मिताहारी। मिताहारी का क्या मतलब होता है? हमारे जीवन का आहार
हमारे जीवन का किया जाने वाला भोजन बड़ा थोड़ा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आप जितना खाते जाओगे उतने ही खाते जाओगे और एक दिन आपकी आदत बन जाएगी कि आप 20 रोटी 40 रोटी तक खाने लगोगे। और यदि आप दो रोटी खाने की आदत डालोगे तो दो रोटी में भी आप जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो शास्त्र कहता है मिताहारी, पहला मिताहारी बनो, कम भोजन। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो मिताहारी। दूसरा मित व्ययी, थोड़ा खर्च करने वाला, उजूल फिजूल खर्च करने वाला नहीं। और तीसरा मित भाषी, थोड़ा बोलो लेकिन प्यार से बोलो, थोड़ा बोलो लेकिन अच्छा बोलो कि सामने वाला सुनकर के प्रसन्न हो जाए। ये तीन बातें हमारे जीवन में परम आवश्यक हैं। शास्त्र कहता है क्षण सह कणसश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत। क्षण क्षण में विद्या ग्रहण करो, प्रत्येक कण कण का सदुपयोग करो, जोड़ के रखो। अब तीसरी बात क्या कही शास्त्र ने, क्षण सह कणसश्चैव विद्यामर्थम चो चिंतये तो। और तीसरी बात ग्रहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरे तो। ग्रहीत एव केशेषु, हमारे बाल, हमारे सिर के बालों को मृत्यु ने आकर के पकड़ लिया है, ले जाने वाली है मृत्यु इस संसार से छुड़ा करके। ऐसा मान करके कि मृत्यु हमारे सिर पर सवार हो चुकी है, मृत्यु आने वाली है, ऐसा मान करके धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करते चलो, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारे जीवन के कुछ संकल्प हैं, कुछ नियम हैं, उनका पालन हमें करते रहना चाहिए।